नमस्कार, धर्मीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड चॉकलेट्स। आज मैंने दो फ्लेवर्स के चॉकलेट बनाए हैं, क्रंची बटरस्कॉच चॉकलेट और केसर पिस्ता चॉकलेट। मैंने जो चॉकलेट बनाई है वो बिना बटर के बनाई है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बटर पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें बटर ऐड कर सकते हो। चॉकलेट बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब चॉकलेट मेल्ट करते हैं तब एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें एक भी बूंद पानी की नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपकी चॉकलेट बनेगी ही नहीं। और एक बात आप सोचोगे कि ये सब इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेगा, तो आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जहाँ से केक और चॉकलेट का मटेरियल मिलता हो ऐसी शॉप में से ये मटेरियल आराम से मिल जाएगा। होममेड चॉकलेट बनाने से पहले जो फ्रेंड्स पहली बार मेरी चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेरी रेसिपी को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना होममेड चॉकलेट्स। रेसिपी बनाने के लिए हमें अपने हाथों का भी इस्तेमाल करना होगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लेंगे और फिर हम रेसिपी बनाने की शुरुआत करेंगे। चॉकलेट बनाने के लिए मैंने मोर्डे के मिल्क, डार्क और वाइट चॉकलेट कंपाउंड लिए हैं। और फ्लेवर के लिए हमें चाहिए एक चुटकी केसर, एक टेबलस्पून मिल्क मसाला, 1/4 कप भुने हुए काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर, एक टीस्पून चॉकलेट स्प्रिंकलर, एक टेबलस्पून बटरस्कॉच, 3 टेबलस्पून राइस बॉल्स। राइस बॉल्स डालने से चॉकलेट में अच्छा सा क्रंची टेस्ट आएगा। एक टीस्पून पिस्ता को मैंने इस तरह से काट लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए चॉकलेट बनाने के लिए प्लास्टिक के मोल्ड। ये प्लास्टिक के मोल्ड मार्केट में 15-20 रुपये में मिलता है। आप चाहे तो सिलिकॉन मोल्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ हम 100 ग्राम डार्क चॉकलेट और 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट के छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। दोनों को मिक्स करना है, इसलिए हम एक ही डिश में उसको कट करेंगे। व्हाइट चॉकलेट को भी हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है, इसलिए हम दोनों चॉकलेट को अलग अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब एक बर्तन में 1.5 ग्लास जितना पानी गर्म करेंगे। जब पानी में से बाफ निकलने लगे तब हम उस पर व्हाइट चॉकलेट वाला बाउल रख देंगे और गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे। चॉकलेट को चलाते हुए मिला लेंगे। मेल्ट होने में 2-3 मिनट लगेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें मिल्क मसाला और भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर मिला लेंगे। तो ये हमारा चॉकलेट बनाने का मिश्रण तैयार है। मोल्ड में हम केसर और कटे हुए पिस्ता डाल देंगे और उसके ऊपर मेल्ट की हुई चॉकलेट डाल देंगे। एक बड़ा सा चम्मच भर कर डालेंगे। इसी तरह हम सभी सांचे भर देंगे। थोड़ा सा थपथपा लेंगे और इस चॉकलेट को हमें 20-25 मिनट फ्रीज में रखना पड़ेगा और तब तक हम डार्क चॉकलेट बना लेंगे। समान विधि से हम डार्क और मिल्क चॉकलेट को पिघला लेंगे और यहाँ हम राइस बॉल्स और बटरस्कॉच बॉल्स डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और ये हमारा क्रंची बटरस्कॉच चॉकलेट बनाने का मिश्रण तैयार है। सांचे में चॉकलेट स्प्रिंकलर डालेंगे और पिघली हुई चॉकलेट भी डाल देंगे। अगर आपको स्मूथ चॉकलेट चाहिए तो आप चॉकलेट स्प्रिंकलर ना डालें, लेकिन चॉकलेट स्प्रिंकलर से चॉकलेट में अच्छा सा क्रंची टेस्ट आएगा, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। थपथपा लेंगे। इसे भी हम 25-30 मिनट फ्रीज में रखेंगे। यहाँ मैंने चॉकलेट को फ्रीज से निकाल लिया है और सांचे को उल्टा कर चॉकलेट निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कि दोनों चॉकलेट कितनी अच्छी बनी है। आप देख सकते हो कि जो फ्लेवर्स हमने ऐड किए हैं वो खाने के बाद कितनी अच्छी तरह से दिख रहे हैं। आपको मेरी क्रंची बटरस्कॉच और केसर पिस्ता चॉकलेट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।